ఇక లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించడం వల్ల గడిచిన 14 రోజులుగా విశాఖపట్నంలో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా కొత్తది నమోదు కాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ చెప్పారు. ఇలాగే దేశమంతా లాక్ డౌన్ పటిష్టంగా అమలైతే వీలైనంత త్వరలోనే కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టడం ఖాయమని లవ్ అగర్వాల్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 1992 లో క్యూర్ హో చుకే హై జిస్కే ద్వారా అగర్ హం దేఖే తో హమారీ ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%. कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं विच टेक्स आर कन्फर्म केसेज टू 14,378 केसेज. लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स. आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है. ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे. 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट से जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम